बोर्डिंग स्कूल, अपने घर से दूर एक ऐसी जगह जहां शायद कोई भी आपका अपना नहीं होता। इसी बीच अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आप कहां जाएंगे? स्कूल्स में आत्मा और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के होने की ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। और हमारी आज की कहानी भी शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई एक ऐसी ही सच्ची घटना पर बेस्ड है। मुंबई में रहने वाले सिड और नेहा की शादी को 2 साल होने वाले थे। वो पहली बार तब मिले थे जब वो दोनों क्लास 11th में थे और शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों को तभी एक दूसरे से प्यार हो गया और तभी से वो दोनों एक साथ थे। अब करीब 10 साल बाद वो अपनी एलुमनाई मीट यानी अपने स्कूल रियूनियन के लिए वापस अपने पुराने बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार कौन सा बुरा साया उनका इंतजार कर रहा है। स्कूल पहुंचते ही सिड और नेहा का स्वागत स्कूल के सीनियर्स ने किया और उन्हें ग्रीट करके वो उन्हें ऑडिटोरियम तक ले गए, जहां प्रिंसिपल ने सभी एलुमनाई का वेलकम किया और पार्टी शुरू करने का ऑर्डर दिया। सिड और नेहा को पार्टी में बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने खूब डांस किया और ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक की। नेहा डांस करते करते थोड़ी थक गई तो इसलिए वो साइड में आकर एक चेयर पर बैठ गई और सभी को एंजॉय करते हुए देखने लगी। तभी उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़े एक लड़के पर गई जो कि उसी को देख रहा था। उस लड़के का हुलिया काफी अजीब था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे, स्किन पीली पड़ी हुई थी और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। नेहा को उस बच्चे की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उस बच्चे को कहां देखा था। देखते ही देखते वो बच्चा वहां से गायब हो गया और नेहा बेहद चौंक गई। वो उठ खड़ी हुई और हर तरफ उस बच्चे को ढूंढने लगी। अचानक उसने देखा कि वो बच्चा ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहा था, तो नेहा ने भी उसका पीछा किया। पीछा करते करते नेहा अपने स्कूल के बेसमेंट के पुराने आर्ट रूम तक पहुंच गई। वो जैसे ही अंदर घुसी उसकी यादें ताजा हो गईं। ये वही रूम था जहां सिड और नेहा अपनी क्लासेस बंक करके एक दूसरे से मिलने आया करते थे। नेहा वहां पड़ी चीजें देखने लगी कि तभी आर्ट रूम का दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। नेहा थोड़ा घबरा गई। वो दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसे उस रूम में एक अजीब सी घुटन होने लगी थी, जैसे किसी केमिकल की महक उसकी नाक में चढ़ रही थी। तभी नेहा को किसी के रोने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें उसके पीछे से आ रही थीं। वो पलटी और उसने देखा कि वही बच्चा आर्ट रूम के कॉर्नर में बैठा रो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाया हुआ था। नेहा ये देखकर और ज्यादा डर गई और वो दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगी और चिल्लाने लगी। जब उसने दोबारा पीछे पलट के देखा तो वो बच्चा अब वहां नहीं बैठा था। वो दरवाजे की तरफ मुड़ी और तब जो उसके साथ हुआ उसे देख उसकी रूह कांप गई। वो बच्चा दरवाजे के ऊपर क्रॉल करता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा बदलकर बिल्कुल एक डीमन जैसा हो गया था। नेहा बहुत जोर से चिल्लाई और इतना डर गई कि वो अपने होश खो बैठी। नेहा वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो स्कूल के एक हॉस्टल रूम में थी और सिड उसके पास ही बैठा हुआ था। नेहा को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। वो अचानक से उठी और हड़बड़ी में जो भी उसके साथ उस आर्ट रूम में हुआ वो सब वो सिड को बताने लगी। सिड ने उससे कहा कि वो ये सब ना सोचे और बस रेस्ट करे। इसके बाद सिड नेहा के लिए डिनर ले आया और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। नेहा के सोने के बाद सिड वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वो कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि अचानक उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। वो एक पल के लिए वहीं ठहर गया और लाइट्स की तरफ देखने लगा। फिर वो उसे इग्नोर कर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में सिड को ऐसा लगा जैसे उसके अलावा भी वहां कोई मौजूद था। उसे एक अलग सी ठंडक महसूस हो रही थी। वो अपने हाथ धो रहा था जब वॉशरूम की लाइट्स भी अचानक से फ्लिकर करने लगी। इस बार सिड थोड़ा सहम गया और जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलने लगा, मगर किसी इनविजिबल शक्ति ने
सिड को पीछे से बहुत जोर से खींचा और सिड दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था जो पहले नेहा ने आर्ट रूम में देखा था। उसे देखकर सिड की रूह कांप उठी और वो अचानक से बोला, मोहन, मोहन तुम? ये सुनते ही वो बच्चा बहुत जोर से चीखा और उसने सिड का गला पकड़ लिया और उसे जोर जोर से दबाने लगा। सिड भी चिल्ला उठा और तभी वॉशरूम में हॉस्टल का वार्डन आ गया और उसने सिड को वॉशरूम पर तड़पता हुआ पाया। सिड के अलावा अब वहां कोई नहीं था। वार्डन ने सिड को शांत कराया और उसे वापस उसके रूम तक ले गया। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस हॉस्टल रूम के अंदर घुसे, उनका दिल बुरी तरह दहल उठा। उन्होंने अपने सामने नेहा को पंखे से लटका हुआ पाया। ये देखकर सिड बुरी तरह चिल्लाया और रोने लगा, मगर वार्डन ने जल्दी से नेहा की टांगे पकड़ी और उसे पंखे से नीचे उतार लिया। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। इसके बाद नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां वो 4 दिन तक रही और फिर होश में आई। नेहा के ठीक होने के बाद सिड ने उसे बताया कि उसने उसी बच्चे को वॉशरूम में देखा था जिसकी बात नेहा कर रही थी। सिड को वो बच्चा अच्छे से याद था। उसने नेहा को याद दिलाया कि जब वो दोनों 11th क्लास में थे, तब मोहन सिड का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। नेहा स्कूल में नई नई आई थी। सिड और मोहन दोनों को ही नेहा बहुत पसंद आ गई थी और इसी वजह से सिड और मोहन की दोस्ती टूट गई थी। सिड ने जल्द ही नेहा को डेट करना शुरू कर दिया था, मगर ये बात मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक साइको जैसे वो नेहा को स्टॉक करने लगा था, सिड से हाथापाई करने के बहाने भी ढूंढता था। जब ये सब करने के बाद भी नेहा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन मोहन ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस हादसे के बाद सिड नेहा को लेकर वापस अपने घर लौट गया, मगर आज भी नेहा को रोज रात में उस बच्चे की भयानक शक्ल के बुरे सपने आते हैं।